इस भाग में आज हम जानेंगे कि क्लास वन के स्टूडेंट्स में लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स का विकास कैसे किया जा सकता है, विशेष रूप से क्लास वन की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड बुक वन के संदर्भ में। आप सब जानते हैं कि लैंग्वेज एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है। इट हैज फोर स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। द फर्स्ट टू स्किल्स दैट इज लिसनिंग and speaking are primary skills, whereas the other two skills, that is reading and writing, are known as secondary skills. Listening and reading are receptive skills, that is skills of comprehension, whereas speaking and writing are productive skills, that is skills of expression. सुनना और पढ़ना, यह दोनों ग्रहणशील कौशल होते हैं जो कि समझ से संबंधित होते हैं, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्ति कौशल होते हैं जो भावनाओं या विचारों के व्यक्त करने से संबंधित होते हैं। लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ अक्वायरिंग द लैंग्वेज बाई पिकिंग अप स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी। छात्र में जब तक लिसनिंग स्किल का विकास नहीं होगा, तब तक उसमें स्पीकिंग स्किल का भी विकास नहीं हो सकता। टू डेवलप दिस एबिलिटी स्टूडेंट्स नीड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन लिसनिंग टू इंग्लिश एट नॉर्मल स्पीड। इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते वक्त हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम साउंड्स को करेक्टली प्रोड्यूस करें, ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करें, स्पष्ट रूप से मीनिंगफुल सेंटेंसेस बोलें और जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं हमारी लैंग्वेज उस कॉन्टेक्स्ट के अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लर्नर्स अर्थात स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज का जितना अधिक एक्सपोजर मिले उतना ही अच्छा है। इससे उन्हें ग्रामर के रूल्स की जानकारी होगी और साथ ही उन्हें यह जानने और समझने में आसानी होगी कि डिफरेंट सिचुएशंस में लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है। Listening and speaking skills are interdependent. ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम बोलने में उन्हीं साउंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं जो हमने सुनी होती हैं। इसलिए जिन बच्चों में लिसनिंग स्किल विकसित नहीं होती है, वे बोल भी नहीं पाते हैं। क्लास वन के स्टूडेंट्स में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कराने के लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे जो इस प्रकार है। प्रतिदिन क्लास में एंटर करते ही हमें स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ग्रीट करना चाहिए। स्टूडेंट्स में भी ऐसे वर्ड्स यूज करने की हैबिट डालना चाहिए जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एटसेट्रा। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड बुक वन पढ़ाते समय टीचर्स को यह ध्यान देना है कि क्लासरूम में लर्नर्स को लिसनिंग और स्पीकिंग के पर्याप्त अवसर मिले। The teacher will read aloud the text to the students. While teaching, he or she will emphasize on clarity of speech, correct pronunciation, and on pauses at proper places. Teacher पाठ्यपुस्तक मैरीगोल्ड बुक वन की प्रत्येक यूनिट की प्रत्येक पोएम का करेक्ट स्ट्रेस, रिदम, पॉज और इंटोनेशन के साथ सस्वर पाठ करेंगे और स्टूडेंट से उसे सुनकर रिपीट करने को कहेंगे। द स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली एंड रिपीट आफ्टर द टीचर। दिस विल डेवलप देयर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट वन आर टू लाइंस ऑफ द पोएम दैट दे हैव बीन टॉट। टीचर पाठ्यपुस्तक मैरीगोल्ड बुक वन कि प्रत्येक यूनिट की प्रत्येक स्टोरी को पहले हिंदी या फिर बच्चों की मातृभाषा में सरल शब्दों में बच्चों को सुनाएंगे। उसके बाद करेक्ट प्रोनंसिएशन, प्रॉपर स्ट्रेस, क्लैरिटी और करेक्ट पॉजेस के साथ स्टूडेंट्स के सामने तेज आवाज में स्टोरी को पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स को रिपीट करने को कहेंगे। द स्टूडेंट्स विल लिसन and repeat after him or her. After completing the story, the teacher will ask each student to read aloud one or two sentences from the story. The teacher
will encourage the students to have a talk about the main characters, incidents or things of the poem or story that they have been taught with their classmates. The teacher will read aloud the new words given at the end of each lesson and will ask the students to repeat them after him or her. That is, the teacher will read aloud the new words cry, day, red, and sun from the first lesson, A Happy Child, and the students will repeat after him or her. In the Let's Read section of each lesson, some sentences with the new words have been given. The teacher will read aloud these sentences and the students will repeat after him or her. At the end of each lesson, some questions have been framed in the Let's Talk section. The teacher will ask these questions in Hindi or in English. The students will answer the questions in Hindi or in English. Teacher students को छोटे छोटे समूहों में एक साथ कार्य करने एवं खेलने के कुछ अवसर उपलब्ध कराएंगे. It will develop team spirit, interaction and a sense of togetherness. It will encourage them to express their feelings naturally. कुछ बच्चों में बहुत शाइनेस होती है, बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं. कुछ बच्चों में बोलते समय हेजिटेशन की प्रॉब्लम होती है और कुछ बच्चों को स्टेज पर आकर कुछ बोलने से डर लगता है. बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके टीचर्स उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ ईच लेसन द टीचर विल प्लान एन एक्टिविटी ऑफ रोल प्ले related to that lesson. In this activity, teacher will give specific roles to the students which they will perform. For example, at the end of the lesson, mother hen and the chicks, that is in the unit 3, teacher will plan a role play in which 5 students will play the roles of mother hen, Percy, and 3 other chicks respectively. Teacher बारी बारी सभी बच्चों से यह एक्टिविटी करवाएं और उन्हें अपने अपने कैरेक्टर्स से रिलेटेड डायलॉग्स बोलने के लिए एनकरेज करें. इससे स्टूडेंट्स की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ लेसन का रिवीजन भी हो जाएगा. The teacher will involve the students in a whispering game activity. This activity will help the students in developing the habit of attentive listening and speaking as well. For example, teacher ne Marigold Book 1 ke Unit 1 ki story 3 Little Pigs se page 8 ka ek expression huff and puff gole mein baithe hue एक बच्चे के कान में विस्पर किया. अब वह बच्चा अपने बगल में बैठे बच्चे के कान में वही शब्द समूह विस्पर करें. यही क्रम आखिरी बच्चे तक चलता रहेगा. जब अंतिम बच्चा विस्पर शब्द समूह सुन ले, तब टीचर उससे खड़े होकर उस शब्द समूह को जोर से बोलने को कहे. संभव है अंत तक पहुंचते पहुंचते शब्दों का रूप बदल जाए. ऐसी स्थिति में टीचर करेक्ट शब्द बोलकर बच्चों से रिपीट करवाएं. इस एक्टिविटी से बच्चों में अटेंटिव लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट होता है. आफ्टर कंप्लीटिंग अ लेसन द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड द स्टूडेंट विल आंसर देम लाउडली. द टीचर विल एनकरेज each student to ask at least one or two questions based on that lesson. The other students will answer those questions loudly. This process will continue until each student of the class
gets the opportunity to ask questions and to answer the questions asked by other students. The teacher will select some difficult words from each lesson and will write them on the blackboard. Teacher will read those words loudly and correctly before the students, and the students will repeat after him or her. Gradually, the teacher must encourage them to try to read such words. This will improve their pronunciation and enrich their vocabulary. The teacher will say aloud with correct pronunciation the words that have been given in every unit in say aloud section, and the students will repeat after him or her. For example, the teacher may say aloud the words apple, ripple, drew, mew, ball, Paul, etc. that have been given in the say aloud section at the end of the lesson, If I Were an Apple, on the page 66 in unit 6. The teacher will say aloud with correct pronunciation the words that have been given in every unit in say aloud section, and the students will repeat after him or her. For example, the teacher may say aloud the words apple, ripple, drew, mew, ball, fall, etc. that have been given in the say aloud section at the end of the lesson If I Were an Apple, on page 66 in unit 6. Teacher लेसन के अंत में दिए गए दो कॉलम्स के सभी वर्ड्स को, जो कि मैचिंग के लिए दिए गए हैं, करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ स्टूडेंट्स के सामने तेज आवाज में बोलेंगे. द स्टूडेंट्स विल लिसन एंड रिपीट आफ्टर द टीचर. द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई वन वर्ड फ्रॉम ईच कॉलम विच कैन बी पेयर्ड विद. द स्टूडेंट्स will answer orally, then they will match the related words given in let's do section with the teacher's help one by one, as has been shown on page 18 in unit 2. The teacher will select some sight words from each lesson and will write them on flashcards. He or she will show these cards to the students and read aloud those words. The students will repeat after him or her. For example, the teacher can write some sight words like hen, chicks, lalu, pilu, plant, chili, and laddu, etc. from the lesson Lalu and Pilu, that is in the unit 3. At the end of each lesson, the teacher will have a conversation with the students to raise awareness about the good habits. He or she will tell the children about the importance of some good habit. The children will listen to their teacher and speak their mind on that good habit. For example, at the end of the poem, after a bath, the teacher may have a conversation with the children regarding the importance of cleanliness or saving water. At the end of each lesson, the teacher will ask the children to draw something related to the lesson and also talk something about it. For example, at the end of the lesson, Murli's mango tree, the teacher can ask the children to draw a tree showing leaves, branches, fruits, birds, nest, and a swing, and to talk something about these things. In sare karyo ke atirikt, teachers
बच्चों को पढ़ाते वक्त कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देंगे जो इस प्रकार हैं। जो लेसन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है उसमें स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी डेवलप करने पर टीचर विशेष ध्यान देंगे। टीचर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड बुक वन के लेसन से स्टूडेंट्स की डे टू डे एक्टिविटीज को रिलेट करेंगे। टीचर किसी कॉन्सेप्ट के सिचुएशनल डेवलपमेंट को स्टूडेंट्स के खुद के एक्सपीरियंस द्वारा उन्हें महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से टीचर्स क्लास वन के स्टूडेंट्स में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। आपने इस वीडियो में सुना कि किस प्रकार से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड बुक वन के माध्यम से आप क्लास वन के बच्चों में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का विकास करा सकते हैं। इसी क्रम में हम टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड बुक वन के यूनिट थ्री में दी गई एक पोएम वन लिटिल किटन पर डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इन क्लास वन स्टूडेंट्स through teaching of a poem. First of all, you have to read aloud the text to the students. While teaching, you have to emphasize on clarity of speech, correct pronunciation, and on correct pauses at proper places. किसी poem को पढ़ाते समय आपको ध्यान देना है कि आप उस poem को correct stress, rhythm, pause और intonation के साथ recite करेंगे। आप poem को recite करते समय किन किन शब्दों पर स्ट्रेस रहेगा, कहाँ कितना पॉज रहेगा और कहाँ कहाँ पर उतार चढ़ाव रहेगा। आप पोएम की थीम या मेन आइडिया को बच्चों को बताएंगे। समझाते वक्त आप बच्चों को मदर टंग का यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम वन लिटिल किटन। प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। One little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats, five fat fishes, six sad seals, seven silly seagulls, eight happy eels, nine nervous lizards, ten brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. I'm again going to recite this poem. Please listen to me very carefully and attentively and try to see where I use stress. Actually, a poem has a melodious effect. It is the beauty of the poem that you have to recite the poem like you are singing a song. So please pay attention. I'm again going to recite this poem. One little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats, five fat fishes, six sad seals, seven silly seagulls, eight happy eels, nine nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. You have to recite this poem in your class with correct stress, rhythm, pause, and intonation. You know that children learn through imitation very easily and effectively. If you recite a poem correctly, your students too will recite it correctly. If you are pronouncing words of a poem correctly, your students too will pronounce these words correctly. जब आप किसी poem को recite करते हैं तो बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपके जैसा ही recite करना सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि एक बार recite करने से बच्चे poem को ठीक से नहीं सुन पाए हैं तो आप दोबारा फिर से उस poem को recite करें ताकि बच्चों की proper listening हो सके। बच्चे ठीक से सुनेंगे तभी वो ठीक से बोल सकेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर इंटरडिपेंडेंट। बच्चे बोलने में उन्हीं साउंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं जो उन्होंने सुनी होती हैं। इसलिए जिन बच्चों में लिसनिंग स्किल विकसित नहीं होती है वे बोल भी नहीं पाते हैं। अतः आप जरूरत महसूस होने पर पोएम को दोबारा रिसाइट कर सकते हैं। व्हेन यू रिसाइट अ पोएम आस्क योर स्टूडेंट्स टू लिसन टू यू अटेंटिवली एंड
repeat after you. This will develop their listening and speaking skills. Moreover, you should ask the students to recite one or two lines of the poem that they have been taught. बच्चों को इस पोएम के थ्रू 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स की नॉलेज दी गई है, साथ ही उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स की भी जानकारी दी गई है। बच्चे डिफरेंट वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना भी सीखते हैं। द वर्ड्स कैट, फैट, रैट, सैट एंड टेन आर गिवन इन द न्यू वर्ड सेक्शन ऑफ दिस लेसन। यू हैव टू रीड अलाउड दीज वर्ड्स बिफोर योर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लिसन the correct pronunciation of these words. Encourage your students to repeat those words after you. This process will develop their listening and speaking skills. इस लेसन के लेट्स रीड सेक्शन में एक सेंटेंस दिया गया है, a fat cat saw a rat. ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में न्यू वर्ड सेक्शन में दिए गए वर्ड्स fat, cat और rat को यूज किया गया है. You will read aloud this sentence and your students will repeat after you. Two questions have been given in the section reading is fun. Both the questions are very interesting. You have to ask these questions to your students one by one and they will answer them. This will develop their listening and speaking skills. Is lesson ke let's talk section mein questions diye gaye hain. आप बच्चों से इन प्रश्नों को हिंदी या इंग्लिश में पूछेंगे और वे इन प्रश्नों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में अपनी समझ के अनुसार, इससे उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होगा. आप बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कैसे लगता है जब वे सैड फील करते हैं या ब्रेव फील करते हैं या हैप्पी फील करते हैं या जब वो नर्वस फील करते हैं. बच्चे प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग आंसर दे सकते हैं. पूरी क्लास इन क्वेश्चन आंसर सेशन को एंजॉय करेगी. बच्चों की शाइनेस खत्म होगी, उनकी हेजिटेशन खत्म होगी और वे एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस फील करेंगे. इससे बच्चों में लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का विकास होगा. आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन वन लिटिल किटन यू विल आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन एंड द स्टूडेंट्स विल आंसर देम लाउडली. यू विल एनकरेज ईच स्टूडेंट टू आस्क एटलीस्ट one or two questions based on the lesson. The other students will answer those questions loudly. This process will continue until each student of the class gets the opportunity to ask questions and to answer the questions asked by other students. You will select some difficult words from the lesson One Little Kitten and will write them on the blackboard. For example, you can select the words little, silly, nervous, brave, tails, and smelly. You will read these words loudly and correctly for the students, and the students will repeat after you. This will improve their pronunciation and enrich their vocabulary. इस लेसन के say aloud सेक्शन में 45 words दिए गए हैं. For example, the words me, my, no, us, we, but, cat, dog, fat, met, not, red, ran, saw, sun, was, wet, etc. have been given in this section. आप इन वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करते हुए तेज आवाज में बच्चों के सामने बोलेंगे. बच्चे आपको ध्यान से सुनेंगे और उन शब्दों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ तेज आवाज में रिपीट करेंगे. इससे उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होगा. So it is clear that by teaching the textbook, a poem properly from the textbook Marigold Book 1 and by involving the students in the teaching learning process, you can develop listening and speaking skills in class 1 students easily. अब हम NCERT textbook Marigold Book 1 की एक दूसरी poem A Kite पर चर्चा करेंगे. I am going to recite the poem A Kite. Please listen to me attentively. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. I'm going to recite this poem again. Please listen to me attentively and carefully.
and see the musical effect of this poem, and that is the beauty of this poem. I often seek and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. आप पोएम को करेक्ट स्ट्रेस रिद्म पास इंटोनेशन के साथ बच्चों के सामने रिसाइट करेंगे जिससे बच्चे ये सारी चीजें सीख सकें। इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं जो इस पोएम की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। द थीम और मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज वेरी इंटरेस्टिंग। चिल्ड्रन लव सच थिंग्स, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग एंड रिसाइटिंग सच पोएम्स। आप इस पोएम को क्लैरिटी के साथ रिसाइट करेंगे। द स्टूडेंट्स विल रिपीट आफ्टर यू। दिस प्रोसेस विल डेवलप देयर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स विल लर्न द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। दे विल लर्न टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली दैट हैव बीन यूज्ड इन द इन दिस पोएम। नाउ सी there is a section of new words that has been given at this point. In this section, some words that are new for the students of class 1 level have been given. The words are blow, breeze, chanced, kite and seat. In your classroom, you have to say aloud these words before your students, and you have to ask them to repeat these words loudly so that their speaking skill can develop. So when they are listening to you, their listening skill is developed, and when they are repeating these words after you, their speaking skill will be developed. Now see the let's read section. Let's read section has two sentences, and in these sentences at least one word has been taken from the new words section. In your classroom, you have to say aloud these sentences, and you have to ask your students to repeat these sentences after you. The sentences are, the first sentence is, I can fly a kite. And the second sentence is, I love to sit under a tree. Now see the other section, that is reading is fun. In this section, there are two sentences. Actually, there are two questions. The first question is, what does the child wish to be? And the second question is, what does the child wish to do with the piece? In your classroom, you have to ask these questions to your students, and you have to encourage them to give correct answers. They may hesitate, they may feel shy, they may have other problems as well, but you have to maintain your cool and compose, and you have to encourage them to answer these questions. And through this process, through this interaction, they will learn how to speak correctly. There's another section, that is let's talk. In this section, there are some questions. The first question is, what would you like to be? So when you ask this question to your students in your classroom, you can get various answers. It depends on the interest of the students, what they want to be in their future. So you have to involve your student in interaction, in communication, in conversation, and that is an essential way through which you can develop listening and speaking skills. There is a section, say aloud. In this section, some words are given. The words are bright, kite, right, side, sky, cart, chance, dance, fast, and part. In your classroom, you have to say aloud these words to your students so that they can listen the correct pronunciation of these words, and then you have to ask them to repeat these words loudly so that you can check their speaking skills, and if they are wrong, you can rectify them. हम टेक्सबुक मैरीगोल्ड बुक वन की एक और पोएम वंस आई सा अ लिटिल बर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। वंस आई सा अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. Please listen to me attentively and carefully and see this poem on your screen. Once I saw a little bird come hop, hop, hop.
I cried, little bird, will you stop, stop, stop? There's this rhyming. There's this these similar sounding words are here. This poem, hop, 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 and stop, stop, stop. See the second stanza. I was going to the window to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew. This poem is very melodious. It has rhyming words which add to its beauty. The poem deals with a little bird. Children love such things. Children enjoy listening and reciting such poems. You have to recite this poem with correct stress, rhythm, pause, and intonation. You have to pronounce the words correctly. Students will listen to you. Students will listen to the recitation and they will repeat after you. Through this process, their listening and speaking skills will be developed. Moreover, they will learn the meaning of new words. They will learn to pronounce the words correctly that have been used in this poem. Now, some words you can see on your screen in the new word section. The words are bird, hop, stop, tail, and window. In your classroom, you have to say aloud these words to your students so that they can learn the correct pronunciation of these words, so that their listening skill can be developed. And after that, you have to say them, you have to ask them to repeat these words, so that you can check their speaking skills and you can check whether they are pronouncing these words correctly or not. If they are wrong, you have to rectify. Now see the next section, that is, let's read. This section has two sentences. The first sentence is, the bird flies out of the window. And the second sentence is, you must stop cutting trees. These two sentences have at least one word from the new word section. And you have to say aloud these sentences in the classroom. And you have to ask your students to repeat after. The next section is reading is fun. In this section, there are two questions. You have to ask these questions to your students and they are expected to give answers. And through this conversation, their listening and speaking skills will be developed. Another section is let's talk section, in which there are two questions. The first question is, do you see any bird around your school or your house? When you ask this question to your students in the class, they have to give answers. They may give various answers based on their experience and imagination. So this process will develop their speaking skills, and they can speak or they can answer a question only in that condition when their listening skill has already improved. Without listening a question properly, they cannot answer. Their answer depends on this fact, whether they have listened the question properly or not. So you have to take care of these two things simultaneously, that their listening and speaking skills both should be developed. Now we will discuss the story. Lalu and Pilu from the textbook Marigold Book 1. We will see how the teaching of a story can help in developing listening and speaking skills in class 1 students. सबसे पहले आप इस स्टोरी को हिंदी या इंग्लिश में बच्चों को सुनाएंगे. स्टोरी सुनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप स्टोरी को पूरे एक्शन के साथ बच्चों को सुनाएंगे, तभी उन्हें इंटरेस्ट आएगा और वो पूरी तन्मयता के साथ उसे सुनेंगे और सीखेंगे. I am going to tell you the story of Lalu and Pilu in Hindi. Please listen to me attentively. एक मुर्गी थी, उसके दो बच्चे थे जिनका नाम लालू और पीलू था. लालू का रंग लाल था और उसे लाल रंग की चीजें पसंद थी. पीलू का रंग पीला था और उसे पीले रंग की चीजें पसंद थी. एक दिन लालू ने एक पौधे पर लाल रंग की कोई चीज देखी. चूंकि उसे लाल रंग की चीजें पसंद थी, इसलिए उसने उसे खा लिया. लेकिन जानते हो क्या हुआ? लालू ने जो लाल रंग की चीज खाई थी, वो तो लाल मिर्च थी. बहुत तीखी थी. लालू का मुंह जलने लगा, वह चीख उठा. लालू की चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी चली आई. पीलू भी उसके साथ चला आया. लालू की हालत देखकर पीलू ने कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ. वह जल्दी से भाग कर गया और एक पीले रंग का लड्डू लेकर आया. लालू ने जल्दी से उस लड्डू को निगल लिया और तुरंत ही उसके मुंह की जलन बंद हो गई, क्योंकि लड्डू बहुत मीठा था. अब लालू की परेशानी खत्म हो गई. माँ ने और लालू ने मारे खुशी की पीलू को किस कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी इन इंग्लिश.
प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। आप एक बार स्टोरी को हिंदी में या बच्चे की मातृभाषा या जो भी वहाँ की डायलेक्ट हो उसमें आप सुना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पश्चिमी विद्यालय के बच्चों को डायरेक्ट आप इंग्लिश में स्टोरी सुनाए तो उन्हें समझ में ना आए, उन्हें समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार आपको स्टोरी को जैसे इंग्लिश में लिखी गई है वैसे ही आपको पढ़ना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। देयर वाज अ हेन, शी हैड टू चिक्स, लालू एंड पीलू। लालू वाज रेड, ही लव रेड थिंग्स। पीलू वाज येलो, ही लव येलो थिंग्स। वन डे लालू सॉ समथिंग ऑन अ प्लांट, इट वाज रेड, ही एट इट अप। ओह नो, इट वाज अ रेड चिली, इट वाज वेरी हॉट। Lalu's mouth started burning. He screamed. Mother hen came running. Pilu came too. Pilu said, I will get something for you. Pilu brought a yellow laddu. Lalu gobbled up the laddu. His mouth stopped burning. Mother hen and Lalu kissed Pilu. अब आप इस स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर स्ट्रेस, क्लैरिटी और करेक्ट पॉजेस के साथ स्टूडेंट्स के सामने पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स को रिपीट करने को कहेंगे। द स्टूडेंट्स विल लिसन एंड रिपीट आफ्टर यू। दिस प्रोसेस विल डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी यू विल आस्क ईच स्टूडेंट टू रीड अलाउड वन और टू सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन लालू एंड पीलू यू विल आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन and the students will answer them loudly. For example, you can ask the question, who loved red things? Children will answer this question. You have to encourage each student to ask at least one or two questions based on the lesson Lalu and Pilu. The other students will answer those questions loudly. This process will continue until each student of the class gets the opportunity to ask questions and to answer the questions asked by other students. You will select some difficult words from this lesson. For example, you may select the words loved, things, ate, hot, chili, burning, scream, brought, and gobbled, and will write them on the blackboard. You will read these words loudly and correctly before the students, and the students will repeat after you. This will improve their pronunciation and enrich their vocabulary. After completing the story, Lalu and Pilu, we will discuss the moral of this story with students. This will develop listening and speaking skills of the students. You will read aloud the words that have been given in the section New Words and will ask the students to repeat after you. For example, you will read aloud the new words chicks, hen, hot, plant, and yellow. And the students will repeat after you. Two sentences have been given in Let's Read section. The first sentence is I love plants, and the second sentence is the chicks ran to their mother. Each sentence has at least one new word from the section New Words. You will read aloud these two sentences. Your students will listen attentively and they will repeat after you. This will develop their listening and speaking skills. Three questions have been given in the section Reading is Fun. You will ask these questions in your class. Your students will answer them. If they are not able to answer these questions, if they have any difficulty, please do not scold them. You should encourage them to express their views regarding the question that has been asked. Through this exercise, you can develop listening and speaking skills in your students. आप जानते हैं कि बच्चे प्रश्नों का उत्तर तभी ठीक से दे पाएंगे जब वो प्रश्नों को पहले ठीक से सुनेंगे और समझेंगे। यदि उनके लिसनिंग स्किल ठीक से डेवलप नहीं हुई है तो वे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव कराने के लिए उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का मैक्सिमम एक्सपोजर मिलना चाहिए। बींग अ टीचर, it is your responsibility to give them maximum exposure of English language in your class. You can take help from the textbook Marigold Book 1, in which various activities are suggested to develop and improve the listening and speaking skills of class 1 students.
आप बच्चों को खेल खेल में कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके उनकी सुनने और बोलने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज को करते समय बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगती बल्कि वो उसे फुल्ली एंजॉय करते हैं। इन लेट्स टॉक सेक्शन अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। In let's talk section, a question has been asked related to pillow. The answer of this question is based on the power of imagination and experience. Ask this question in your class and encourage your students to give correct answers. If they are unable to answer, give them some hints, give them some clues. Please be friendly to them. They will try to answer in a friendly and fearless atmosphere only. Through this process, listening and speaking skills of students can be developed and improved. In let's share section, some exercises given related to the sharing of ideas of the students in the class on some particular topic. This activity will encourage students to express and share their ideas frankly. They will listen to the ideas of their classmates and they will speak their own minds. Activity 2 can develop listening and speaking skills in students. You will select some sight words from the lesson Lalu and Pillu and will write them on flashcards. You will show these cards to the students and read aloud those words. The students will repeat after you. For example, you can write some sight words like day, came, laddu, mother, plant, and chili on flashcards and show them to discuss another story of the textbook Marigold Book 1, that is The Tailor and His Friend. First of all, you have to tell the story of the tailor and his friend in Hindi or in English in a very interesting way so that students can listen attentively and they can enjoy this story. I am going to tell this story in Hindi. Aap bachchon ki mother tongue mein story ko shuru mein sunayenge to kyunki wo apni language के थ्रू कनेक्ट करते हैं जल्दी, बाद में फिर आप इंग्लिश में स्टोरी को पढ़ेंगे। तो आई एम गोइंग टू टेल दिस स्टोरी इन हिंदी। एक दर्जी था, उसका नाम कालू था। नदी के पास उसकी सिलाई की एक दुकान थी।
वह बच्चों के लिए तरह तरह के रंगों वाली पैंट और शर्ट बनाया करता था। कालू की एक खांसी से दोस्ती थी जिसका नाम अप्पू था। अप्पू डेली कालू की दुकान पर आया करता था। कालू हमेशा उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दिया करता था। एक दिन कालू के दिमाग में खुराफात सूझी। उस दिन जब अप्पू उसकी दुकान पर आया तो कालू ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उल्टा उसने अप्पू की सूंड में एक सुई चुभो दी। अप्पू को बहुत दर्द हुआ और वो दर्द से कराहता हुआ वहां से भाग गया। 2 दिन बाद अप्पू नदी में आया और वहां से उसने अपनी सूंड में पानी भरा और उसे ले जाकर कालू की दुकान पर डाल दिया। कालू की पूरी दुकान भीग गई। उसकी दुकान पर रखे सारे कपड़े भी भीग गए। उसमें नए कपड़े भी थे जो कालू ने तुरंत ही सिले हुए थे। अप्पू ने अपनी सूंड हिलाकर कालू से कहा, एक हाथी कभी भी कोई चीज नहीं भूलता। कालू को तुरंत याद आ गया कि उसने अप्पू की सूंड में सुई चुभो दी थी। कालू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अप्पू से तुरंत ही माफी मांग ली और वे दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी इन इंग्लिश। प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। He made colorful pants and shirts for children. Appu the elephant was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day, Kalu wanted to play a trick. He did not give Appu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I'm sorry, Appu. Let's be friends again." Kalu and Appu became good friends. After telling the story of Kalu and Appu in Hindi, you will read aloud the whole story in English with correct stress, pronunciation, clarity, and pauses. And ask the students to repeat after you. You will read aloud the words that have been given in the section New Words. There are some words in this section. The words are friend, pain, shop, tailor, trick, and wit. In your classroom, you have to say aloud these words before your students so that they can listen the correct pronunciation of these words and they can imitate and learn how to pronounce these words correctly. And after that, you have to ask your students to repeat these words loudly so that you can check their pronunciation. In the let's read section, there are 2 sentences. The first one is, the tailor had a shop, and the second one is, I have many friends. See carefully these 2 sentences. Use at least one word that has been taken from the new word section. And in your classroom, you have to read aloud these sentences. You have to say aloud these sentences before your class so that they can listen and they can be familiar with the sounds and the structure. And you have to ask them to repeat the same sentences loudly so that you can check their pronunciation, you can check their speaking skills. In the section reading is fun, there are some questions. The first question is, who was Kalu? The second question is, who was Appu? And there are other 3 questions. So in your class, you have to ask these questions before your students and they are expected to answer these questions. If they have any problem, you have to start out their problem. The problem may be related to shyness, hesitation, or stage fright. So you have to help them overcoming their such problems and you have to encourage them to speak English correctly and fluently. In the section, let's talk. We have some questions and in your classroom, you have to ask these questions to your students so that they can listen them properly and they can answer them with the help of their understanding and imagination. In the section, let's share. There are 2 questions which are based on the experience. What games do you play with your friends? When a teacher asks this question before his students, there is no ready-made answer to this question. It depends on the imagination and experience of a particular student, which game he likes. So you may have various answers to this question and there will be an interaction
communication. There will be a conversation in the classroom, and the scenario will be very pleasant and will be very fruitful for learning speaking and listening skills. You can adopt an activity of role play, which will be going to be very helpful, especially for the lessons, which are stories. You can plan a role play. You can assign the role of Appu to one student and the role of Kalu to another student, and you can ask the two students to deliver the dialogues that are given in the poem, that are given in this story. So in through this group activity, you can encourage them to overcome shyness, hesitation and stage fright, and they can develop their listening and speaking skills. Both these skills can be developed through this activity. So finally,